दो चम्मच मैंने खमीर डाल दी है। यहाँ पर मैंने लिए हैं अदरक पाउडर, पहले ग्लव्स मैंने ले लिया और इन सबको मैं अच्छे तरीके से अभी मिक्स करने जल्दी जल्दी से कट लगाते हैं। एक साइड से तो कलर बड़ा जबरदस्त आया है। अभी करने के बाद अभी मैंने ले लिया कुकम्बर। कहाँ है मेरी मना को? मैंने यहाँ अब्बू को देख रही हो आप? ऑन करें, आप ऑन करनी है। चलो ये ऑन हो गया। चलो आ जाओ, अभी हम दूसरी ऑन करते हैं। आ जाओ। चलो आ जाओ जल्दी से। ओए मना को देखो, इतनी खुश हो गए ना मलाक लाइट्स को देख के ना, इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ साथ। मलाक की खुशी देखे हम। चलो आज चलते हैं, आज। और ये जो मैट है ना, इस मैट को कोई मैंने 10 बार सिखा दिया है। इस बच्ची ने इतना तंग किया, मैं थोड़ा सा उधर जाती हूँ, ये मुझे देख के ना फिर से मैट को क्यों ऐसे जमा करके रख देती है मलाको। और इसने लाइट देख लिया ना बस। मलाको फिर से अपने मैट गंदा कर दिया, फिर से ये हाल है इसका। अब भाई का और बहन का प्यार शुरू हो गया। मलाक आज आप रोजा रखोगी? आ, पहले आप खेल तो लो उसके साथ, रोजे का बाद में पूछना आप उसे। अच्छा भैया के लिए एक रोजा रख लो। चलो भैया की खातिर एक रोजा रख लो मलाक। रख सकती हो आप तो दूध के पीछे रोने लग जाओगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। दुआ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए और हम सब के साथ अल्लाह पाक खैर का मामला अता फरमाए। आमीन या रब। तो यहीं से अभी से हमारे एक खूबसूरत व्लॉग का आगाज करते हैं जो कि हमारी अभी शहरी रूटीन से शुरू होने वाला है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में और जाके अपनी शहरी की तैयारी करते हैं। शहरी में कुछ खास होता नहीं है, बस वही होता है जो हमारा रात का जो बचा खुचा खाना होता है और उसके साथ चाय दही। तो इस तरह की शहरी, वैसे भी शहरी में ज्यादा खाना अच्छा भी नहीं लगता, बस हल्की फुल्की शहरी ही अच्छी लगती है। मैं बनाने लगी हूँ अभी पुदीने वाला कहवा, क्योंकि एक दो दिन से ना मैंने पुदीने वाला कहवा नहीं पिया। तो वैसे शहरी में भी मुझे ना पीना अच्छा लगता है। जब से रमजान करीम आया है ना, तब से ना शहरी में हमारी दूध वाली चाय, वैसे दूध वाली चाय यहाँ पर भी बन रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं आज मेरा मूड है। चलिए मेरी पुदीना वाली चाय बन रही है और देखें सारे दस्तरखान पर भी आते हैं। और जो मना को खाना खाना है आपने? दही का चम्मच दिए? बड़ा चम्मच चाहिए, छोटा ये? आज मना को आपको दही खिलाऊंगा। मना शहरी में बैठ के 10वीं पढ़ रही है। हाँ क्या बोल रही हो आप 10वीं पे? आ जाओ आप और मैं साथ खाना खाते हैं, आ जाओ। हाँ भैया को बुला के लेकर आओ। हाँ ये देखो मम्मा ने आपके लिए क्या उठाया। आ जाओ इधर से आ जाओ इधर से। सोच रही कि रास्ता कहाँ से ले, समझ नहीं आ रही रास्ते की। आज कुकू की खैर नहीं है मलाक। कुकू मलाक कुकू बोलो। या अल्लाह आज कुकू को नहीं छोड़ेगी ये बेचारा, वो छुपा हुआ है। मलाको अपना फेस तो देखो, क्या क्या चीजें खाई हैं आपने। कुकू को छोड़ दे, पूछ मलाक के आगे करे ना। ओ तोड़ देगी बेचारे की पूंछ। हाथ मत लगाना इस पर। चलो डरती बिल्कुल भी नहीं, हालांकि कितनी बार काटा है इसने। देखिए उसकी चोंच को पकड़ रही है। हट जा। वो देखिए, यो अल्लाह हम बड़ों को डर लगता है और छोटी सी को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पूछो जरा इससे कैसे तंग है आपको, अब हाथ लगा के दिखाओ इसको। आ जाओ आप छोड़ दें, कह रही है छोड़ दें। हाँ ये अपना मोबाइल ले लें और यहाँ से चले जाएं। आ जाओ कुकू, क्या ख्याल है आपका, जाना है मलाको के पास? कुकू पहले आप कुकू बोलो, फिर मलाको बोलो कुकू। मलाक ने कुकू बोलना भी सीख लिया अब। कुकू चलो हैंड पे चलो। उसने गर्दन पकड़ लिया उसकी। कुकू मलाको बोलो कुकू। आज इफ्तार पे मैं बनाने वाली हूँ पाकिस्तानी शवरमा।
पाकिस्तानी शवरमा बनाने के लिए हम ब्रेड भी पाकिस्तानी घर पर ही बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने आटा लिया है। यहाँ पर हमारे पास नमक है, बेकिंग पाउडर है, यहाँ पर है हमारे पास खमीर, और इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास चीनी। तो इन चारों चीज़ों को मिक्स करके हम ब्रेड बनाएंगे पाकिस्तानी शवरमा के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ खमीर, तकरीबन 2 चम्मच हम डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने खमीर डाल दी है। अच्छा, खमीर जो है ना हमारे ब्रेड को फुलाने के लिए है और ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए। यहाँ पर मैं अभी डालने लगी हूँ थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। चलो ये 2 चीज़ें हो गई, खमीर भी हो गया और बेकिंग पाउडर भी हो गया। अभी मैं डाल देती हूँ नमक। नमक के बाद अभी मैं चीनी डालने लगी हूँ, तकरीबन 2 से 3 चम्मच हम चीनी डाल देंगे। अब इन सबको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, और उसके बाद फिर इसका आटा किसी ऐसे कंटेनर में रखेंगे जिसका ढक्कन बिल्कुल बंद हो। आटे को मैं अभी भूनने लगी थी, तो थोड़ा सा अभी हम इसमें घी डाल देंगे। मक्खन भी डाल सकते हैं घी की जगह पे, लेकिन मैं नॉर्मल कुकिंग ऑयल ही डाल रही हूँ जो कि हम नॉर्मल डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। आटा मैंने गूंद लिया है, इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत लगी, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी लग गई है। काफ़ी देर से ना मैं इसके जो लम्स थे वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, और देखिए कितना ज़बरदस्त है, इसको मैंने गूंद लिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए देते हैं रेस्ट। आटा गूंदने के बाद चिकन को मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए, और अभी मैं यहाँ पर मसाले रेडी करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया सूखा धनिया, तकरीबन मैंने थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ, और इसको मैं अभी ग्राइंड करने लगी हूँ। नहीं, ये सूखा धनिया ग्राइंड हो गया यहाँ पर, लेकिन ये ना थोड़ा मोटा मोटा पिस्सा है, इसको हम बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। चलिए, यहाँ पर हमने धनिया ग्राइंड कर लिया है। जितना हमने धनिया लिए उतना हम जीरा लेंगे, जीरे को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर ले लिया मैंने जीरा, और 1 चम्मच यहाँ से हम डाल देंगे जीरा। मसाले जितने भी थे सारे मैंने यहाँ पर तैयार करके रख दिए हैं, और देखें चिकन बॉयल हो चुकी है। तो आज थोड़ा ना डिफरेंट मैं कर रही हूँ, हमेशा जैसे कि मैं चिकन के जैसे स्लाइसेस होते हैं ब्रेस्ट चिकन के, तो उनको मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं। और बाकी आपके पास ऑप्शनल है, चाहें तो आप इसकी छोटी छोटी बोटियाँ भी कर सकते हैं इसको बॉयल ना करें, चाहें तो आप स्लाइसेस में पहले फ्राई कर सकते हैं मसाला लगा के। मैंने कहा आज मैं थोड़ा डिफरेंट करती हूँ, यानी पाकिस्तानी शवरमे में ना हम थोड़ा सा अरबिक शवरमे का टच देंगे, लेकिन वो भी बस चिकन को इस तरीके से करके बस। बाकी जो सारा प्रोसेस होगा वो सारा पाकिस्तानी शवरमे का ही होगा। फॉर्क की मदद से चिकन को देखिए मैंने इस तरह बना लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया एक बाउल। तो चिकन को अभी मैं इस बाउल में डालने लगी हूँ, और जितने यहाँ पर मैंने स्पाइसेस लिए हुए हैं सब इनमें डाल के मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद हमने चिकन को फ्राई करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ जीरा, जो कि हमने ग्राइंड किया था। जीरा डालने के बाद अभी मैं डालने लगी हूँ सूखा धनिया। अच्छा, जीरा मैंने सारा नहीं डाला, सूखा धनिया भी हम सारा नहीं डालेंगे, बस इतना काफ़ी है जितना डाल दिया, बाकी के मसाले अभी डालते हैं। अभी मैं डालने लगी हूँ नमक, यहाँ पर मैंने लिए है अदरक पाउडर। तो अभी जा रहा है पाकिस्तानी शवरमे में अदरक पाउडर। अदरक पाउडर के बाद यहाँ पर है मेरे पास लहसुन पाउडर, ये मैं डालने लगी हूँ अभी। और यहाँ पर है मेरे पास प्याज का पाउडर, ये भी थोड़ा सा डाल देंगे। और अभी डालेंगे हम थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, और थोड़ा सा हम यहाँ से डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। पाकिस्तानी शवरमा है तो पाकिस्तानी शवरमे को थोड़ा सा हम स्पाइसी खाएंगे। चलें, अभी ये सारे मसाले हमने डाल लिए, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं लेमन, लेमन का रस निकाल के अभी इसमें वो डालती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको करते हैं मिक्स। चलिए, ये भी लास्ट में मैं डालने लगी हूँ लेमन, बड़े ज़बरदस्त बनेगा आज हमारा पाकिस्तानी शवरमा इंशाल्लाह। पहले ग्लव्स मैंने ले लिया, और इन सबको मैं अच्छे तरीके से अभी मिक्स कर रही हूँ हाथ की मदद से, क्योंकि चम्मच से ना ये मिक्स होते नहीं मसाले ठीक से। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अभी तकरीबन मैं इसमें 2 से 3 चम्मच दही डालने लगी हूँ। दही डालने के बाद यहाँ पर ले लिया मैंने हल्दी, थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे साथ साथ, और अब दोबारा से इनको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। चलें, अभी चिकन को तकरीबन कोई 15 मिनट रखा है मैरिनेशन के लिए, उसके बाद मैं अभी इसे मैं फ्राई करने लगी हूँ। जल्दी से डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद चिकन को ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने लगी हूँ कलर के लिए। चिकन जब तक फ्राई होते हैं, आटा ले आई हूँ मैं यहाँ पर, आटा भी हमारा बनके तैयार हो गया, ये देखें माशाल्लाह। जल्दी जल्दी से इसकी हम रोटियाँ बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गया, और खुशबू भी इसकी बड़ी मजे की आ रही है माशाल्लाह। चलिए, अभी हम इसे पहले बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा आटा यहाँ पर ऐसे बिखेर देती हूँ मैं, जितना भी आटा है ना ये सारा हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें आटा मैंने सारा बाहर निकाल लिया, बॉल को मैं करती हूँ एक साइड पे ताकि मुझे थोड़ी यहाँ पे स्पेस मिल जाए।
जल्दी जल्दी से कट लगाते हैं ताकि इसके ऊपर ना जो थिक वाली लेयर होती है वो ना आए ना, वो हमें नहीं चाहिए। ये देखें बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं सारे पीसेस, तो इनके अभी हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। अच्छा कुछ लोग बड़े भी बनाते हैं लेकिन मैं छोटे ही बनाऊंगी, मैं ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी। और इनको जिस तरह से हम दूसरे, हाँ मलाक, हाँ जी, दूसरे पेड़ों को हम प्रेस करते हैं, इनको प्रेस नहीं करना, इनको हमने ऐसे ही रखना है। जिस तरह से ये फूले फूले दिखाई दे रहे हैं ना, हम ऐसे ही रखेंगे इनको। चलेंगे ये देखें पाकिस्तानी शवरमे के लिए यहाँ पर हमने ब्रेड बनाना शुरू कर दिया। बनाते हुए देखिए मैं यहाँ पर रखती जा रही हूँ और साथ साथ इनके ऊपर बटर पेपर देती जा रही हूँ, क्योंकि इन रोटियों को ना हमें थोड़ा सा रेस्ट देना है। पेड़ों को तो हमने रेस्ट नहीं दिया लेकिन इन रोटियों को हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। ब्रेड मैंने सारी यहाँ पर बना ली थी और इनको ना मैंने थोड़ी देर रेस्ट दे दिया, तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के लिए। और कुछ मैंने बटर पेपर लगाए हैं, बटर पेपर कम हो गए थे, कुछ मैंने जो साफ शॉपर थे ना वो एक दूसरे के ऊपर रखे, तो बीच में वो रख दी। बस अभी हम बनाना शुरू करते हैं और इनको ना हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है, ना ही आँच हल्की होगी। अगर आँच हल्की होगी तो भी नहीं बनेगी सही, अगर आँच तेज होगी तो भी सही नहीं बनेगी। सबसे पहले पहले हम उठाते हैं नीचे वाला, जो कि नीचे नीचे है ना वो वाले। अब ये जैसे मैंने इन्हें उठाया ना तो ये फूले हुए थे पहले से ना, ये ब्रेड फूली हुई थी, तो जिस तरह से ये फूली हुई है आपने इसको हाथ की मदद से प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना, जैसी थी वैसे उठा के मैंने यहाँ पर रख दी। साइड चेंज करने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए किस तरह से माशाल्लाह कलर इसका इतना ज़बरदस्त आया है, एक साइड से तो कलर बड़ा ज़बरदस्त आया है, अभी दूसरी साइड मैंने चेंज की नहीं है, अभी चेंज करने लगे हैं, देखते हैं कि इस साइड से कैसा आया। चलिए यहाँ पर एक साइड हमारी बन के तैयार हो गई है, जिस तरह से हमने ये बनाई है बाकी की भी इसी तरीके से हम आराम आराम से साड़ी बना लेंगे। पहली हमारी बेड बन के यहाँ पर तैयार हो गई है, तो इसे थोड़ा सा ना हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अब देखें इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया ग्रीस करने से। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी सारी ब्रेड हमारी बन गई है और बड़ी मज़े की बनी हुई है। यहाँ पर आराम आराम से मैं बना रही हूँ, थोड़ा टाइम ले रहे हैं क्योंकि हमने इन्हें तेज़ आंच पे नहीं पकाना, नहीं तो जल जाएंगी। इस तरह का कलर आना चाहिए जिस तरह से अभी इसका कलर आया, बहुत खूबसूरत कलर आया। चलें जी हमारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और माशाल्लाह से देखें ब्रेड की मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है ना, कितनी अच्छी ब्रेड मैंने बनाई है। अच्छा इसको फिलहाल हम एक साइड पर रखते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए दो प्याज, इनको कट करने लगी हूँ और यहाँ पर ये सारा सामान जो है ना हम इसका सॉस बनाना है। ओला को क्या कर रहे हो आप अपने के पास, क्या कर रहे हो मम्मा का बच्चा, शवरमा बनाने है आपका कि नहीं बनाना? मलाक के लिए मैंने एक छोटी सी ब्रेड बना ली है। चले पहले पहले ना मैं प्याज कट करने लगी हूँ, फिर ये जो कटिंग वाला ये चीज़ें हैं ना वो कट हो जाएंगी ना, फिर ये वाला जो सॉस वाला ये आराम से बन जाएगा हमारे, बाकी की चीज़ें जो भी। प्याज कट हो गए हैं तो इनको बस मैं अलग अलग करने लगी हूँ, क्योंकि एक काम जो हो रहा होता है ना तो उसको एकदम ही हमें कर देना चाहिए। प्याज कट करने के बाद अभी मैंने ले लिया कुकम्बर, उसको बारीक बारीक हमने कट कर लेना है प्याज की तरह। तो मन्ना अभी मुझे कह रही है कि आप काम करते वक्त हंसती क्यों नहीं है, मैं इसे कह रही हूँ मेरे को जो बंदा काम करता है थक जाता है, जाहिर है काम करते करते तो वो कैसे वो फ्रेश हो सकता है, जाहिर थोड़ा जब रेस्ट करता है फिर फ्रेश होता है ना। जो बंदा हमेशा हंसता रहता है ना वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा जो नहीं हंसता वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होना है वो होके रहेगा बस। प्याज और खीरा मैंने कट कर लिया है तो अभी सॉस बनाने लगी हूँ। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है मायोनीज, ये खुल क्यों नहीं रहा, अच्छा लगता है कि हाथों में जान नहीं है अभी इसलिए नहीं खुल रहा। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मायनीज डाल दिए, इसके बाद अब मैं डालने लगी हूँ थोड़े से मसाले ऐड करते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने लिया लहसुन पाउडर, थोड़ा सा यहाँ से हम डालेंगे लहसुन पाउडर, ये देखें। अच्छा लहसुन पाउडर के साथ साथ यहाँ पर ये देखें लहसुन को मैंने ग्राइंड भी किया, ये भी हम साथ में डाल देंगे। वैसे सॉस में ना लहसुन बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा जैसे चॉप किया हुआ हम डालते हैं तो बहुत मज़े का बनता है। चलें जी लहसुन मैंने डाल दिए, अब यहाँ पर ले लिया हमने कुटी हुई लाल मिर्च, ये डालने लगी हूँ। चिकन में मैंने ज़्यादा लाल मिर्च नहीं डाली थी, मैंने थोड़ी कम डाली थी क्योंकि मुझे पता था कि सॉस में हमने डालनी है। नमक यहाँ पर ले लिया मैंने, लेमन जूस ये भी हम डाल देंगे। अच्छा ये सब डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें केचप भी ऐड करेंगे, केचप के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा हॉट सॉस भी ऐड करेंगे। और बच्चों को मैंने भी कह दिया कि आप दस्तरखान लगाना स्टार्ट करो, आज हम अफ्तारी घर पे ही करेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 2 भरे भरे चम्मच मैंने इसमें केचप के ऐड कर दिए। अब रह गया जी हॉट सॉस, अब ये आ गया हमारे पास हॉट सॉस, इसके तकरीबन मैं कोई 3 से 4 चम्मच इसके डाल दूँगी। चलिए अब सारी चीज़ें डालने के बाद अब इनको कर लेते हैं हम अच्छे से मिक्स, बस फिर हमारा सॉस बनके हो जाएगा तैयार। सॉस हमारा बन गया है तो अभी मैं इसे बोतल में डाल रही हूँ, ताकि जब हम शवरमा बनाएंगे ना तो हमें एक अच्छी सी लुक चाहिए, जो यूँ लाइंस आती है ना वो वाली लाइंस चाहिए हमें। चलेंगे ये वाला काम भी हो गया हमारा फाइनल, अब जल्दी से ना यहाँ से हटाते हैं ये वाला सामान जो यहाँ पर है, ये हटा के ये जगह खाली करके तो शवरमे की जो फीलिंग है वो करना शुरू करते हैं।
शवरमा को रैप करने के लिए यहाँ पर मैंने रैप पेपर ले लिए हैं। ये हो गया हमारा सॉस और यहाँ पर है हरी चटनी। ये दोनों हम डालेंगे, सॉस भी और हरी चटनी भी। चलिए पहले पहले मैंने इसके ऊपर सॉस अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे हम ये चम्मच रख देते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह। अच्छा, बोतल मैंने एक और ले लिया क्योंकि इसके जो सुराख बहुत छोटे थे। जैसे मैंने इसमें से सॉस निकाला ना, और शायद मैंने इसमें जो कुटी हुई लाल मिर्च डाली है ना, इस वजह से वो फिर नहीं आ रहे थे ना, थोड़ा मसला हो रहा था, तो मैंने ये वाली बोतल ले ली। वैसे ये हनी की बोतल है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हमारे काम आ जाएगी ना। सॉस लगाया पहले, सॉस लगाने के बाद चिकन रखी है। चिकन के बाद मैंने थोड़े से प्याज डाले हैं। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया कुकम्बर, इसके ऊपर अभी मैं डालने लगी हूँ जी सॉस। चलें जी, अब आ गई ग्रीन चटनी की बारी। चलें जी, हमारा पहला पहला ये देखें पाकिस्तानी शवरमा बनके तैयार हो गया। अब ये खाने से पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा बना है। और जल्दी जल्दी बस मैं बाकी के जो वो बनाना शुरू करती हूँ। मोना अभी आ गई थी फरमाइश करने के लिए कि मेरा वाला जो है ना वो फुल स्पाइसी हो। मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, मैंने अभी चम्मच की मदद से ना मैं नहीं करी, चल देखे हाथ की मदद से बस चिकन भी ले रही हूँ सारी चीज़ें, कि जल्दी जल्दी से जो है ना हमारा जो काम है वो फाइनल। और मेरे वाले में ग्रीन चटनी नहीं डाली। क्यों नहीं डालनी? मुझे वो स्पाइसी होती है। आनिया को ग्रीन चटनी नहीं चाहिए, किसी को स्पाइसी चाहिए। और तमन्ना कह रही कि मुझे दो दो शवरमे चाहिए। हाँ, तो मुझे भूख लगी हुई है सुबह से। चलें, सेकंड भी बन गया हमारा, जल्दी जल्दी से बस बन जाए, अल्लाह करे। शवरमा हमने खा लिया है और मसाला इतना मजे का बना था, इतना मजे का। पहले भी मैंने बनाया है, दो तीन बार बनाया, बल्कि ज्यादा टाइम मैंने बनाया, लेकिन आज वाला ना मुझे स्पेशली मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी का पता नहीं कैसा लगा मना तुम्हें। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मुझे तो लजीज लगा, मैंने इतने दो खा गए। हानिया ने तो खैर पहले ही बता दिया कि बहुत मजे का बना। आपको कैसा लगा? अच्छा। मलाक का शवरमा अभी तक खत्म नहीं हुआ। बस बस अब नहीं खाएगी, नहीं खाएगी मोना, बस अब उसका पेट फुल हो गया। नीचे गिरा रही हूँ, नजर लगा दी मैं। अच्छा, जो बाद में बोलते हैं बस मैंने नजर लगा दी। छोड़ दो, अब नहीं खाएगी, बस हाफ खा लिया ना इसने बस। खाना खाने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद अभी सबके लिए चाय बन गई है। मलाक पता नहीं क्यों रो रही है, मलाक को भी देखूं जाके। ये चाय आ गई आपकी। कहाँ है मेरी मलाक को? अब्बू को देख रही हो आप? क्या चाहिए आपको? आजो आजो आजो। अभी हम आ गए हैं घर से बाहर और हम जा रहे हैं नमाज तरावी के लिए मस्जिद नबी जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए, ऐसा लगता है कि मस्जिद नबी नहीं गए। बहुत ज़्यादा हम मिस कर रहे थे मस्जिद नबी में अफ्तार को, मस्जिद नबी में तरावी को। तो खैर, अभी हम जैसे ही फ्री हुए हैं खाना वगैरह खा के, नमाज पढ़ के, चाय पी कर, तो आज मुस्तफ़ा भी जा रहे हैं हमारे साथ तरावी पे। ये जाएगा अब्बू के साथ, है ना जी।